अस्सलामुअलैकुम। कराची में एक और तेल का खेज वारदात। मामू के घर डकैती कराने वाली भांजी डाकू दोस्त समेत गिरफ्तार। इंतहाई अफसोसनाक खबर आ गई। क्या आप हालात हाजरा से आगाही हासिल करना चाहते हैं? खबर के पीछे छुपे असल हकाइक जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए दिलमिल पाकिस्तान को और साथ ही घंटी के निशान पर क्लिक कर दें। आपको बताते चलें कि कराची के अजमेर नगरी थाने की हुदूद में मामू के घर में डकैती कराने वाली सगी भांजी निकली। मतीन नामी शख्स के घर से डाकू असले के जोर पर नकद रकम, कीमती अशिया और मोबाइल फोन ले गए थे। मुतासिरा शख्स ने अजमेर नगरी थाने में मुकदमा दर्ज कराया तो पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। माँ बाप को बेटी आयशा की हरकत मशकूक जानते हुए पहले से शक था। पुलिस ने तहकीकात की तो पता चला कि आयशा ने अपने दोस्त जिशान की मदद से मामू के घर में डकैती करवाई थी। अजमेर नगरी पुलिस ने जराई का इस्तेमाल करते हुए वारदात करवाने वाले शख्स को गिरफ्तार करके छीने गए दो स्मार्ट मोबाइल फोन बरामद करके असल मुल्जिमान का पता लगा लिया। गिरफ्तार मुल्जिम जिशान ने वारदात का एतराफ किया और आयशा के मुलविस होने का बताया, जिस पर मुद्दई की भांजी आयशा उर्फ अशु को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्जिमान का एक साथी पुलिस मुकाबले में जख्मी होकर जेल में है।